नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उधारी के ऊपर कि हम किसी को पैसा देते हैं उधार, किसी को पैसा दे दिया और पैसा वापस आने की कंडीशन क्या रहती है और किस तरीके से आ सकता है वापस, उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट के जो लीगल जो नियम वगैरह हैं, टर्म एंड कंडीशन, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बात करेंगे केवल अपने ऊपर। तो बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बात हम करते हैं किसी को उधारी देने की। तो यदि आपने किसी को उधार दिया है पैसा, मान लीजिए एक पैसा दिया है आपने उधार और कोई आपका खास व्यक्ति है, तो आप उससे कोई कंडीशन वगैरह या फिर आप कोई लिखित दस्तावेज आप कुछ नहीं लोगे, आप ऐसे ही उसको पैसा दे दोगे। अब पैसों की कंडीशन भी रहती है, कम दिए, ज़्यादा दिए या फिर बहुत कम दिए। तो अगर हम बहुत कम देते हैं या फिर नॉर्मली देते हैं 5-10 हज़ार 20 हज़ार तक, तो हम जो सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारा खास है तो हमें इसको कोई भी चेक वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉमिस पत्र जो रहता है वो भी हमें साइन कराने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसा सोच के उसको पैसा देते हैं। और ज़्यादा पैसा देते हैं तो हम सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे काम करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे कि हम किसी को भी ज़्यादा पैसा देते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, चेक वगैरह और भी उसकी जो भी सिक्योरिटी के रूम में हम रखना चाहते हैं वो हम रखते हैं, लेकिन कम पैसों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे कंडीशन क्या होती है कि ज़्यादा पैसा तो रिकवर हो जाता है, लेकिन बहुत कम पैसा होता है या थोड़े मीडियम पैसा होता है उसमें समस्या रहती है। उसमें उस समस्या का आज हम बात करेंगे कि क्या इश्यू हो सकता है आपके साथ और कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। तो अगर आपने छोटे मोटे पैसे दिए हैं, 500, 1000 रुपये, 2000 किसी को, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि इतने रुपए अगर आपने दिए हैं किसी को, एक नॉर्मल से व्यक्ति ने जो उसकी खुद की आमदनी नहीं है इतनी कि वो ज़्यादा दे सके, लगभग इतने ही उसने रुपये दिए हैं, और या फिर किसी ने 5-10 हज़ार रुपये भी दिए हैं, हम दोनों की कंडीशन रखेंगे, हाई लेवल की कंडीशन नहीं रखेंगे, 10-20 हज़ार रुपये या 1-2 हज़ार ऐसे किसी ने किसी को दिए हैं। तो रिकवर कैसे होते हैं पैसे की, अगर हमने किसी को पैसा दिया है उसने हमें समय सीमा दी है कि हम 2 महीने में या 4 महीने या 1 साल जितना भी उसने समय मांगा है उस समय में वो हमारा पैसा लौटा देगा। अब क्या होता है, कई कंडीशन 3 प्रकार की होती है इसमें। एक व्यक्ति तो वो होता है जो हमें समय पर लौटा देता है, दूसरी कंडीशन में ऐसा होता है कि व्यक्ति लौटाता नहीं है, बार बार मांगते रहो, पता चला उसने 2 महीने की कहकर 2 साल भी हो गए लेकिन पैसा वापस नहीं आया। तीसरी कंडीशन ऐसी होती है कि पैसा तो आता है लेकिन पूरा नहीं आता। तो तीनों कंडीशन के ऊपर बात करें तो पहली कंडीशन तो ये है कि व्यक्ति अगर जो सही ख्याति वाला व्यक्ति होगा, जिसको अपनी इज्जत की फिक्र रहती है, वो व्यक्ति तो जाहिर सी बात है पैसा दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको चिंता रहती है कि कल के दिन कोई व्यक्ति मुझसे पैसा ना मांग सके, कोई मुझसे उधारी घर पे ना आ जाए, कोई मेरे या कहीं पर भी मुझसे ये ना बोल दे कि भैया आपसे पैसा लिया था वो मुझे वापस कर दो, दे दो मुझे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि समय पर पैसा दे देते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं अब जो नहीं देना चाहते, तो वो लोग क्या करते हैं कि घुमाते रहते हैं, एक अभी व्यवस्था नहीं हुई, 1 महीने बाद मैं आपको दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा, 5 दिन बाद दे दूंगा, ऐसे बोल बोल कर वो समय निकालते चलते हैं और आपका पैसा देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहते वो लोग। तो वो लोग, वो उन लोगों को मैं बता दूं कि ऐसी कंडीशन में हमें कुछ नहीं कर सकते। वो कारण क्या है कि हमारे पास कोई भी उनके पास सबूत नहीं है हमारे पास कि हम उससे पैसा रिकवर कर सकें। कारण क्या है कि हम आपस में किसी को पैसा दिया है तभी तो हमने गारंटी नहीं ली है, अगर हम किसी दूसरे को देते तो गारंटी लेते। तो जहाँ पर गारंटी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, तो हमारा पैसा रिकवर होने की उम्मीद रहती है, तो हम आपस में ऐसा पैसा गंवा देते हैं विश्वास करने को। लेकिन आज की दुनिया में देखा जाए तो विश्वास लायक इस दुनिया नहीं बसी है, चारों तरफ धोखेबाजों की दुनिया रह चुकी है, केवल धोखाधड़ी करके ही एक दूसरे का यूज करना चाहते हैं, केवल बोलेंगे प्यार से लेकिन कब आपके पीठ में छुरी डाल देंगे पता भी नहीं चलेगा, जिसको हम बोलते हैं आस्तीन का सांप भी बोलते हैं कि हमारे साथ ही रह रहा और हमें हमारे साथ ही धोखा कर दिया कि हमसे प्यार से बोलकर उसने हमसे पैसा लिया, जब देने की बारी आई तो आंखें बताने लग गया। तो इस कंडीशन में हम पैसा रिकवर करने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है, आप मांग ही सकते हो
और अब तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन सबसे खराब कंडीशन है, जिसमें पैसा आता तो है लेकिन पूरा नहीं आता, और ऐसे लोगों को हम बोलते हैं चालाक लोग। चालाक जो कि बहुत ही होशियार और समझदार, और अपने घर में इनके पास पैसा बहुत होता है। ये लोग ऐसा नहीं कि ये लोग परेशान है, ये लोग पैसा पूरा दे भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। इनकी एक फितरत होती है ऐसे लोगों की कि ये लोग अपना घर बनाने की सोचते हैं केवल बस, और दूसरों के घर का यूज करना सोचते हैं कि उसका पैसा कैसे ना कैसे अपने पास आता रहे और हम लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे लोग केवल एक व्यक्ति के साथ एक बार ही धोखा कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। बार बार कर सकते हैं, कुछ कम पैसों का कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसों का ये एक ही बार धोखा कर सकते हैं। ऐसे लोग करते क्या हैं, ऐसे लोग जो चालाक लोग होते हैं वो पैसा रिकवर पूरा इसी वजह से नहीं आता कि ये बहुत समझदार और सियाने रहते हैं कि बिना गारंटी के एक तो पैसा ले लिया इन्होंने, दे दिया। जैसे मान लीजिए किसी ने पैसा दिया किसी को बिना गारंटी के, 10-20 हज़ार 20-25 हज़ार ऐसे पहचान के नाते दे दिया कि हाँ हमारे रिलेशन में है, या फिर हमारा कोई फ्रेंड है, या हम आप पहचान के व्यक्ति है, उसको हमने पैसा दे दिया। मान लीजिए 20,000 रुपये या 10,000 या 5,000, कितने भी आपका जो भी बजट हो, आप जिस हिसाब से उसकी आपकी पहचान उससे चलती है या रिलेशन है, उस हिसाब से आप उसको विश्वास कर रहे हो, तो आपने उस हिसाब से उसको पैसा दे दिया। अब वो पैसा खाना भी नहीं चाहता और देना भी नहीं चाहता, उसकी ये फितरत है, तो वो करेगा क्या? और ऐसे लोगों के पास पैसों की कमी नहीं रहती, बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि ये ऐसे ही कर करके ही तो पैसे वाले बने हैं। मतलब क्या है कि ये खुद अपनी लाइफ ना ऐसे लोग संतुष्ट तरीके से जीते नहीं है, दूसरों को परेशान कर कर ही ये अपनी लाइफ को सुखी बना लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि ऐसा क्या करते हैं वो लोग। तो अगर आप उदाहरण में बताऊंगा आप समझ जाओगे कि आपने अगर किसी को, मान लीजिए एक डेमो के लिए एक पैसा बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी को 10,000 रुपये दिए हैं और 10,000 सामने वाले ने समय मांगा है आपसे कि मैं 3 या 4 महीने या 5 महीने में आपको वापस कर दूंगा, तो 5 महीने बाद वो आया आपको वापस करने के लिए। अब वापस करने के लिए आया तो वो 9,000 रुपये दे गया आपको, 9,000 या 9,500 रुपये ऐसे कुछ वो पैसा आपको रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद आप भी सोच वो और ये भी बोल के जाएगा मैं कुछ दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगा, ठीक है। ऐसे बोलकर आप उससे 9,000 रुपये ले लोगे, 10,000 के 9,000 आपने रख लिए। 9,000 लेने के बाद आप उससे 1,000 रुपये, अगर उसने समय सीमा मांगी है मान लीजिए 10 दिन, तो 10 दिन बाद आप उससे कहोगे 1,000 रुपये दे दो, तो वो कहेगा कि ये ले लेना अभी है नहीं, ऐसे ही बोलेगा वो, कुछ दिनों बाद मैं कर देता हूँ। अब आप एक दो बार बोलोगे, चौथी पांचवी बार आप मांगना उससे बंद कर दोगे। पहली बार तो आप पहली बार ही नहीं मांगोगे क्योंकि वो रिलेशन में है, इसलिए वजह से आप 1,000 रुपये मांगो नहीं। आप जी सोचोगे उसने 9 दे दिए, एक और दे देगा, ये क्यों नहीं दे पाएगा। लेकिन ये आपकी गलतफहमी रहेगी, गलतफहमी ऐसी रहेगी कि उसका काम ही ये है पैसे बचाने का, तो अब वो उसने कम इसी वजह से दिए थे। अगर सही व्यक्ति होता तो 4 दिन बाद देता, लेकिन फुल देता। उसने कम इस वजह से दिए हैं कि मुझे उसके 1,000 रुपये 500 खाना है, और जाहिर सी बात है सामने वाला इतनी छोटे से रुपए मुझसे मांगेगा नहीं। मान लीजिए आप 10,000 में से 500-1,000 रुपये कौन मांगने चला आपस में रिलेशन में, कोई नहीं मांगेगा, या पहचान वाला कोई नहीं मांगेगा, सोचो इग्नोर करो, यही सोचेगा इग्नोर करो। तो उससे क्या होगा, अगर वो पूरा देना चाहता तो वो 5-10 दिन बाद भी दे सकता था, कह देता कि मैं पूरे ही लेके जाऊंगा उसके बाद, लेकिन उसे पूरा देना नहीं है, इसी वजह से तो वो 9 लेके आया था, तो मैं खुद सोचना चाहिए ये वाली बात। तो वो 9 इस वजह से दे रहा है, और फिर वो 1,000 रुपये रिकवर कभी नहीं होंगे आपके, कितनी बार भी मांग लो वो वापस होने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि तीनों कंडीशन में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, और चालाक लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अब आपको सुरक्षा कैसे रखना है, आप लीगल डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, चेक रख सकते हैं, कुछ भी लीगल तरीके से किसी को पैसा जैसे देना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ लेकर ही किसी को पैसा दें, आप सुरक्षित रहेंगे और आपका पूरा पैसा रिकवर होने की गारंटी भी रहेगी। तो उम्मीद है आज का टॉपिक केवल चालाक लोगों के लिए बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें समझाऊंगा कि पैसा रिकवरी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे नियम हैं गवर्नमेंट के जिसके तहत हम किसी से पैसा ले सकते हैं, देने से पहले भी हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। वेट कीजिए, आगे वीडियो और भी बहुत सारे आएंगे।
आज का टॉपिक इसी के ऊपर था कि कंडीशन तीन तरह की फंसती हैं, तो तीनों मैंने कंडीशन फंसा दी हैं पैसा वापस लाने की, जो कि अनलीगल तरीकों बिना डॉक्यूमेंट के हम किसी को पैसा देते हैं तो हमारे साथ ये हो सकता है। तो कहावत तो सुनी होगी आपने आज कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ये तो निशान आपको दिख रही होगा लाइक का, लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताते रहें आपको ये टॉपिक कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।